तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट थ्री के बारे में बात करेंगे जो कि SST का है। तो देखिए, हम लोग को 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति थे। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो थे वो क्या थे, एक अमेरिकी उद्योगपति थे। हेनरी फोर्ड को कार निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा निर्मित टी मॉडल नामक कार बहुत बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। ये परिवर्तन इतनी तेज रफ्तार से आए और इतने प्रभावशाली सिद्ध हुए कि उन्हें क्रांति का नाम दिया गया। आगे, इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा और छोटे कारीगरों का स्थान पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रीय दल से तात्पर्य ऐसे दल से हैं जो केवल किसी खास क्षेत्र या राज्य में रहता हो या शासन करता हो। भारत में 2017 के अनुसार 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। इस 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद आंसर। खरीफ फसल किसे कहते हैं। वे फसलें जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, खरीफ फसल कहलाती है। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास इत्यादि। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं कि आखिर नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो देखिए, तो नेपाल में आप सबको पता है, तो ये वाले आंसर को हम लोग यहाँ पर रोक के, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 5 आंसर करना है, तो इसमें हम लोग उस वाले को नहीं, इस वाले आंसर को करेंगे। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, तो विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद के रूप में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर विभिन्न किस्मों तथा गुणवत्ता के उत्पाद मिल जाते हैं। विदेशी निवेश मुद्रा की समस्या का समाधान कर देता है। इसके द्वारा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा अवरोधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाना। उदारीकरण की नीतियों से वैश्वीकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासकीय नियमों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दिया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हम 5 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, बहुत ही अच्छा आंसर। बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर भी 1929 के महामंदी का बुरा प्रभाव पड़ा।
वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चा पटसन की कीमत में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद से या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के सस्ते कर्जे लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। और साथ ही साथ क्या हुआ, दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसे कोई समस्या नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर अधिक ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, बाज़ार में बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। और क्या कह रहा है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है। तो पवनों की गति के कारण अर्जित उसकी गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है ना, पवन ऊर्जा क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह प्रदूषण मुक्त होती है, यह पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। पवन ऊर्जा में प्रायः पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। पवन ऊर्जा में प्रायः पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म यह पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में ठीक है नागर कोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य इस प्रकार से है। चलिए, पहला काम क्या है यहाँ पर, चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता में वो अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। और कानून निर्माण दूसरा काम, राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्या है, सरकार की आलोचना। तो चुनाव में असफल राजनीतिक दल दल संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकारी नीतियों के बारे में सरकार की आलोचना करता है। और क्या होता है, आलोचना करता है। ठीक है, चलिए, तो अब 3 पॉइंट हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट। अब देखिए, सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है। कैसे सूचना का अधिकार जो है कानून का रखवाला है, तो कैसे, सबसे अच्छा कानून वो है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का कार्य करता है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर 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 आयात करने वाले मौजूद कानूनों की मदद करता है। ठीक है, कठोर दंड, जी हाँ, दंड अदा करने वाले मौजूद कानूनों की मदद करता
करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करती है। बैंक कर्ज लेने वाले लोगों से ब्याज की दर ऊँची लेते हैं, जबकि जमाकर्ताओं को ब्याज की दर कम देते हैं। और फिर क्या होता है, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का, यह बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार बैंक में जो अतिरिक्त धन बच जाता है, उसे बैंक अपने निजी काम चलाता है। बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का कल्याण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है? किन्हीं तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण के प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाती है। तो पॉइंट नंबर 1, उदारीकृत व्यापार नीति के कारण विदेशी माल पर आयात शुल्क या मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया जाता है, इससे मुक्त व्यापार का वातावरण बनता है। दूसरा पॉइंट है, निवेश नीति में उदारीकरण के कारण विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। विदेशी पूंजीपति भारत में तथा भारतीय पूंजीपति विदेशों में बिना किसी प्रतिबंध के निवेश कर सकते हैं। विदेशी निवेश के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में इसे अपने उद्योग और कार्यालय खोल पाती है, इससे इन देशों के लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर जान लेते हैं क्या किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। और फिर वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी व्यापारी को अपना तैयार माल ना दे। तीसरा पॉइंट, वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल इकट्ठा करते थे। वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। पांचवा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। पांचवा पॉइंट, वे यह भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया? तो देखिए, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। और वे गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला गुण है जनमत पर आधारित शासन। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती है। यह जनता की सामान्य इच्छाओं के अनुरूप चला जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरदायी जिम्मेवार एवं वैध सरकार, वैध व्यवस्था। लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है, अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होती है। पॉइंट नंबर 3, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समान सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इसे सभी नागरिकों की समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है, उसे नीचे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, रंग या भाषा, पेशा आदि का हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विविधताओं में सामंजस्य।
यह टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है और इससे गलतियों को सुधारने का इसमें गलतियों सुधारने की भी गुंजाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाती है? तो आंसर क्या स्टूडेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, लेकिन यहाँ पर अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। और फिर कहता है कि यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है और वह कपड़े खरीदना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तथा वह चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? मुद्रा के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूँ है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है और गन्ना उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। देखिए तो गन्ना उत्पादन का क्षेत्र कौन कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है, कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं? गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी अच्छी फसल उपज के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। अच्छा तापमान है 21 से 27। फिर क्या कहता है, इसे 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है। उसके बाद इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, सीरा आदि बनाने में काम आता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये था सेट 3। अगले वीडियो में मिलेंगे और किसी दूसरे सेट के सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके।